फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो ब्रेड बड़ा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू लेंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे। खूब अच्छे से हम आलू को मैश कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चम्मच। अब हम डालेंगे 2 चम्मच दमालू मसाला। अगर दमालू मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम हल्का सा भूंज लेंगे। गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हो चुका है। अब 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे। अगर आप सरसों नहीं तो जीरा डाल सकते हैं। अब इसमें हम आलू को डालेंगे और आलू को हल्का सा ही भूनेंगे। अब इसमें हम धनिया डालेंगे 1 चम्मच। चटनी डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। 1/2 कटी हुई प्याज लेंगे, 2-3 चम्मच मटर लेंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम ब्रेड में भरेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि आलू में भी नमक है इसलिए बहुत ही थोड़ा सा नमक हम डालेंगे। 1/2 कटोरी बेसन है। अब इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। इसका पेस्ट गाढ़ा ही रखेंगे हम। अब इसमें भी हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पेस्ट हमारा बन चुका है। अब हम ब्रेड को कट करेंगे। साइड से कट कर चुके हैं। अब इसे हम बीच से भी कट करेंगे। बीच से भी इसको हम कट कर चुके हैं। अब इस पर हम चटनी लगाएंगे। हरी मिर्च और हरी धनिया की ये चटनी है। चटनी लग चुकी है। अब इसमें हम भरेंगे प्याज और मटर को। ये टमाटर की चटनी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे भी ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे। टमाटर की चटनी भी लग चुकी है। अब हम आलू की टिक्की बनाएंगे। ऐसे हम कर लेंगे। अब इसमें हम ब्रेड को भरेंगे। ब्रेड को हम फोल्ड करेंगे और टिक्की में भरेंगे। इसको अच्छे से हम पैक कर देंगे। फिर उसके बाद हम बेसन में इसको डिप करेंगे। टिक्की हमारी बन चुकी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में अब तेल डालेंगे। तेल काफी गर्म हो चुका है। अब गैस को हम धीमा कर देंगे। टिक्की को हम बेसन में डिप करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत ही धीमी आंच में हमें करना है, जैसे कि बेसन अच्छे से पक जाए। अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। पोटैटो ब्रेड बड़ा हमारा बनकर तैयार है। अब आप इसे चटनी के साथ या चाय के साथ सुबह सुबह खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है। अब आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।